स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री टेबल कि एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो बनानी है उसको एक इजी वे के अंदर किस तरह से हम उसे याद रख सकते हैं। बनाने का जो मेथड है उस मेथड का नाम है पाम मेथड, जिस तरह की हमने एक हथेली के लिए यूज़ कर दिया, ये हमने यूज़ कर दिया फॉर द 0 डिग्री, इसके लिए हमने यूज़ किया 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और इस फिंगर के लिए हमने यूज़ कर दिया फॉर द 90 डिग्री के लिए। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि साइन थीटा के लिए आपको इस डायरेक्शन का यूज़ करना है, इस तरफ से फिंगर यूज़ करोगे, और कोस थीटा के लिए आपने इस तरफ चलना है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, ये डायरेक्शन साइन के लिए। और रूल क्या है, आपको जिस वैल्यू के लिए बात करें फिंगर काउंट करने के लिए रूट और डिवाइडेड बाई 2 का यूज़ करोगे, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी में से वैल्यू को फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हमने लिख दिया साइन 0, इस तरफ हमने लिख दिया फॉर द कोस 0। अब साइन 0 के लिए मैंने इस तरफ बोला आपको, तो इस तरफ देखोगे 0 के लिए ये है, इससे पहले इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं, कोई भी फिंगर्स नहीं है, तो रूट 0/2। इसी तरह से अगर हम कोस की बात करते हैं तो कोस की डायरेक्शन ये है, कोस की 0 से यहाँ से देखोगे 1, 2, 3, 4 हैं, 1, 2, 3, 4 इसमें से रहेंगी, तो उसी तरह से आप इसमें से यूज़ करोगे रूट 4/2। इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो 0, 4 का रूट फाइंड आउट करोगे तो 2/2, यानी कि कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसमें से 30 डिग्री, जब हम साइन 30 की बात करते हैं इधर से हम कोस 30 की बात करते हैं, तो जब साइन 30 की बात करते हैं तो इस फिंगर से इस तरफ देखोगे, इस तरफ देखते हो तो कितनी फिंगर्स रहती हैं, ओनली फॉर 1, तो रूट 1/2। इसी तरह से कोस 30 की जब बात करते हैं तो कोस 30 के लिए इस तरफ देखोगे 1, 2, 3 रहेंगी इस तरफ, तो रूट 3/2 यूज़ करोगे जितनी फिंगर्स हैं, तो 1 का रूट यहाँ पे कितना आता है 1/2, 3 का रूट फाइंड आउट नहीं होता इसलिए रूट 3/2 ही रहेगी ये वैल्यू। फिर नेक्स्ट इसी तरह से 45 वैल्यू है, तो इसी तरह से हमने लिख दिया साइन 45 डिग्री, इस तरफ हमने लिख दिया फॉर द कोस 45 डिग्री। ये पाम मेथड के अंदर यानी कि अपनी हथेली के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, साइन के लिए इस तरफ देखोगे तो कितनी 45 से इस तरफ 2 हैं, यानी कि रूट 2/2। इसी तरह से कोस के लिए देखते हो इस 45 से तो इस तरफ भी कितनी है 2 हैं, तो 2 हैं तो इट्स मीनिंग इसके लिए भी हमने यूज़ कर दिया रूट 2/2 के लिए, लेकिन इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 1/√2 आएगा और ये भी 1/√2, क्योंकि 2 का मीनिंग क्या होता है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, एक रूट ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आती है 60 डिग्री, फिर हमने लिख दिया साइन 60 डिग्री, इधर से हमने लिख दिया फॉर द कोस 60 डिग्री। जब साइन 60 की बात होती है तो साइन के लिए हम इस तरफ चलेंगे 60 से, 1, 2, 3 हैं, 3 फिंगर्स हैं तो इसलिए रूट 3/2, लेकिन कोस 60 है तो इस तरफ चलेंगे, तो इस तरफ चलेंगे तो कितनी है ओनली 1 है, तो रूट 1/2 के लिए, तो 1 का रूट 1 होता है, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो 90 डिग्री के लिए आती है, साइन 90 और इसी तरह से कोस 90 डिग्री। अब साइन 90 की जब हम बात करते हैं तो हमने इस तरफ चलना था, तो उसी तरह से हम यूज़ करते हैं इसमें से, और इसी तरह से जब हम साइन 90 की बात करते हैं तो डायरेक्शन ये थी अपनी, तो 90 से इस तरफ देखो 1, 2, 3, 4 हैं, तो इट्स मीनिंग रूट 4/2, रूट का 4 का रूट 2 होता है 2/2, यानी कि कैंसिल करने पर वैल्यू क्या आएगी 1। अब कोस 90, कोस की डायरेक्शन हमने इस तरफ चलनी थी तो 90 से इस तरफ कोई भी फिंगर नहीं है यानी कि 0 है, तो रूट 0/2 इट्स मीनिंग 0। अब आगे की जो टेबल है इसी पाम मेथड के अंदर वो हम देखते हैं। अब जैसे कि पहले इसकी वैल्यू लिख दीजिए, साइन 0 की आई थी 0, 30 की 1/2, फिर 45 की थी 1/√2, ये थी रूट 3/2, इस वैल्यू को लिखा था हमने 1, ये थी 1 रूट 3/2, 1/√2, फिर 1/2 और ये थी 0। आगे टेंजेंट कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि टेंजेंट के लिए फॉर्मूला किसका यूज़ करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा का, 0/1 क्या होता है 0, इसको इससे करोगे डिवाइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, डिवाइड करें हम साइन बाई कोस करोगे तो इसी तरह से ये सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर क्या होता है 1, इधर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3 रह जाएगा। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड या नॉट फाइंड आउट या नॉट डिफाइंड, यानी कि इस वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब कोसिकेंट के लिए क्या होता है, कोसिकेंट के लिए अगर हम यूज़ करते हैं इसमें से
हम कोसिकेंट के लिए हम यूज़ करें तो कोसिकेंट जो रहेगा वो साइन का रेसिप्रोकल, जैसे जीरो का रेसिप्रोकल अगर हम यूज़ करते हैं तो जीरो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नोट डिफाइंड। इसी तरह से वन बाई टू, वन बाई टू का रेसिप्रोकल कहेगा टू, वन बाई रूट टू का करोगे तो रूट टू, इसी तरह से रूट थ्री बाई टू का करेंगे तो ये टू बाई रूट थ्री, इसी तरह से वन का रेसिप्रोकल वन। सीकेंट के लिए क्या होता है, कोसिकेंट को बैक साइड से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे वन टू बाई रूट थ्री, ये रूट टू, ये टू, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नोट डिफाइंड। इसी तरह से कोट, कोट के लिए क्या होता है, टेंजेंट को बैक साइड से स्टार्ट कर दीजिए, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द नोट डिफाइंड। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, रूट थ्री, फिर वन, फिर वन बाई रूट थ्री, और लास्ट वैल्यू क्या थी, जीरो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।